गौरतलब है कि हतीन के गांव अंधोप में इनेलो विधायक सहित 35 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये भूख हड़ताल 2 तारीख से शुरू की गई थी। किसानों की मांग है कि किसानों को उनके हिस्से का पानी दिया जाए और रजवाहों में पानी छोड़ा जाए। अस्पताल में भर्ती किसान ने बताया कि कई बार प्रशासन उनको झूठे आश्वासन देकर उनकी हड़ताल खत्म करा चुका है, लेकिन इस बार उनकी लड़ाई आर पार की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी हड़ताल खत्म नहीं होगी तब तक कि उनको पानी नहीं मिल जाता। किसानों का कहना है कि सैकड़ों लोग आसपास से आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। वो तब तक डटे रहेंगे जब तक कि उनको पानी नहीं मिल जाएगा। ये भूख हड़ताल शुरू की गई, जिसमें विधायक कीर्त सिंह रावत के साथ कल 21 किसान थे और आज 32 किसान इनके साथ रहे, जिसमें डालू, रणवीर और राजन के साथ जो 3 किसान हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और उन्हें अभी अभी कुछ देर पहले पलवल के सामान्य अस्पताल में एडमिट कराया है और डॉक्टर उनके उपचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं और किसान अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभी मैंने बताया कि टोटल जो आज किसान भूख हड़ताल बैठे हैं वो 32 किसान विधायक कीर्त सिंह रावत के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके समर्थन के लिए पलवल जिले के भिन्न भिन्न गाँवों से हजारों की संख्या में किसान और महिलाएँ उनका विधायक का हौसला अफजाई करने के लिए पहुँच रहे हैं। कब तक ये भूख हड़ताल चलती है? जब तक रजवाओं के अंतिम टेल तक पानी नहीं पहुंचता, जब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। हम तो ये सरकार से मांग करते हैं, मांग की थी कि सरकार के अंतिम टेल तक, नहरों के अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने